Children, now today's topic is equivalent version of Euclid's fifth postulates. हम लोगों ने Euclid's की postulates पढ़े थे, जो उसमें जो fifth postulate है, that postulate is very important from examination point of view. And today we will study its equivalent version. Okay? Now, Euclid's fifth postulate is very significant in the history of mathematics. Recall it again from section 5.2. इसको हम थोड़ा सा recall करते हैं कि ये postulate था क्या? ये पॉस्टुलेट एक्चुअली क्या बता रहा था कि नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द फॉलोइंग लाइंस इज एग्जैक्टली 180. हमने देखा था कि पॉस्टुलेट था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन किसी दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है तो वो जो एंगल्स ऑन द सेम साइड बनाती है, अगर उन एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता है तो वो दोनों लाइंस आगे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, मींस वो इंटरसेक्ट हो जाती हैं. और अगर वो सम 180 होता है तो वो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. तो इसी का जो इम्प्लीकेशन है, बहुत सारे इक्विवेलेंट वर्जन्स इसके आए इस पोस्टुलेट के, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ प्लेफेयर एक्सियम which was given by a Scottish mathematician John Playfair in 1729. तो उसका जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया वो क्या दिया कि फॉर एवरी लाइन L, आप स्क्रीन पे देखिए हमारे पास एक लाइन L है और एक पॉइंट P है जो कि उस लाइन L पे लाई नहीं कर रहा है, वो लाइन L से कहीं बाहर लाई कर रहा है. अगर ऐसी कंडीशन होती है तो देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन. उस कंडीशन में एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करती है M, आप फिगर में देखेंगे M, जो कि क्या है, P से पास होती है और वो L के पैरेलल है. P से तो और भी लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन जो लाइन M है वो लाइन जो पास हो रही है पॉइंट P से, वो लाइन किसके पैरेलल है, L के. तो इस रिज़ल्ट को हम इस तरह से स्टेट कर सकते हैं कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. कि अगर हमारे पास दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी डिस्टिंक्ट, तो वो एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती. दोबारा देखिए इस फिगर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम के अलावा और भी लाइंस हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है जो इसके पैरेलल है एंड दैट इज़ एम. तो इसलिए हमने इसको लिखा कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. क्लियर? तो ये इसका एक वर्जन है, इक्विवेलेंट वर्जन जिसको हम कहते हैं. क्लियर? तो यूक्लिड्स डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट्स टू प्रूव हिज फर्स्ट 28 थ्योरम्स. मैनी मैथमेटिशियंस इंक्लूडिंग हिम वर कन्विंस्ड दैट द फिफ्थ पोस्टुलेट इज़ एक्चुअली अ थ्योरम. बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, इंक्लूडिंग जो यूक्लिड्स थे, उन्होंने ये कन्विंस किया या ये वो समझे कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो एक थ्योरम है और उसको हम प्रूव कर सकते हैं with the help of first four postulates and other axioms. But all the attempts to prove the fifth postulates as a theorem have failed. But these efforts have led to a great achievement and the creations of several other geometries. भले ही उनका प्रयास विफल हुआ कि वो उसको एक थ्योरम की तरफ प्रूव करना चाहते थे फिफ्थ पोस्टुलेट्स को, बट उनके एफर्ट्स ने कुछ अचीवमेंट्स गेन की और वो थी क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज. यूक्लिड्स के अलावा भी और ज्योमेट्रीज के बारे में लोगों को सोचने के लिए प्रेरित किया. एंड दीज ज्योमेट्रीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूक्लिडियन ज्योमेट्री. और ये ज्योमेट्रीज यूक्लिड की ज्योमेट्री से बिल्कुल डिफरेंट थी, इसलिए उन्हें कहा गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज. एंड देयर क्रिएशन इज़ कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट बिकॉज टिल देन, क्योंकि तब तक सिर्फ लोगों को यूक्लिड्स के बारे में ही पता था कि सिर्फ यूक्लिड्स की ही ज्योमेट्री है, बट उसके बाद जो है लोगों को यहाँ से क्लू मिलना शुरू हुआ कि यूक्लिड्स के अलावा भी और तरह की ज्योमेट्री हैं जिसको हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं. अब नावाडेज जो ज्योमेट्री हम यूनिवर्स में देख रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, दैट इज़ नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसको हम स्फेरिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं. स्फेरिकल ज्योमेट्री में क्या होता है, लाइंस आर नॉट स्ट्रेट. लाइन जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्फेरिकल ज्योमेट्री. यहाँ पे लाइंस स्ट्रेट नहीं है, दे आर द पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल. क्लियर? एंड सर्कल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्फेयर एंड प्लेन्स. स्फेयर और प्लेन्स का इंटरसेक्शन हो रहा है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फेयर.
इस फिगर में आप देखिए जो ए एन और बी एन लाइन्स हैं, ठीक है, ये ग्रेट सर्कल्स के पास हैं, ये परपेंडिकुलर हैं ए बी के, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट दे आर मीटिंग, फिर भी वो आपस में मिल रहे हैं। जबकि यूक्लिड्स ने क्या कहा था कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा तो वो लाइंस पैरेलल होंगी, मतलब वो मिलेंगी नहीं। अगर इनका सम, दो पैरेलल लाइंस का सम अगर क्या हो, लेस देन 180 हो, तो वो कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर तो वो एग्जैक्टली 180 है लेकिन फिर भी मिल रही हैं। सो दो द सम ऑफ द एंगल इज़ ऑन द सेम साइड इज़ नॉट लेस देन टू राइट एंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल, और आप देखेंगे कि इसमें जो एक ट्राइंगल बना हुआ है NAB, इसमें भी एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा है। क्लियर? सो यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज़ वैलिड। तो हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड्स की ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ प्लेन फिगर्स के लिए वैलिड है। जब कर्व फिगर्स की हम बात करते हैं, कर्व सरफेस की, तो वहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री फेल हो जाती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स का एक पेयर है और उनकी डिस्टेंस हमेशा एक दूसरे के बराबर, उनके बीच की दूरी इक्वल है। तो इज़ दिस स्टेटमेंट अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट? तो क्या ये यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स का एक डायरेक्ट कंसिक्वेंस है, रिजल्ट है? सो हम देखते हैं, कोई लाइन एल लेते हैं और एक पॉइंट पी लेते हैं जो उस लाइन पर नहीं है, तो प्ले फेयर एक्जियम जो हमने ऊपर पढ़ा, विच इज़ इक्वलेंट टू द फिफ्थ पोस्टुलेट्स, वी नो दैट देर इज़ अ यूनिक लाइन। तो वो कहता है कि अगर एक यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी एम, जो उस पॉइंट पी से पास होगी और उस एल लाइन के पैरेलल होगी, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, दिस डिस्टेंस विल बी सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन एम। तो ये दोनों लाइन्स हमेशा क्या होंगी, आपस में इक्विडिस्टेंट होंगी। तो द ज्योमेट्री दैट यू विल बी स्टडिंग, अब हम आगे के सेक्शंस में, फ्यू चैप्टर्स में जो आगे पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। हाउ एवर द एक्जियम्स एंड थ्योरम्स, जो हमने थ्योरम्स और एक्जियम यहाँ पढ़े हैं, वो मे बी आप पढ़ेंगे, वो थोड़े से यूक्लिड्स के थ्योरम्स और एक्जियम से डिफरेंट हो सकते हैं। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। देखिए 5.2 का पहला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, कि आप यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखेंगे कि उसे समझना आसान हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई करता है, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि आप यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को सिंपल वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट द थर्ड लाइन, अगर दो लाइनें किसी तीसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है और इस तरीके से करती है कि जो उनके इंटीरियर एंगल का सम अगर लेस देन 180 है, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर टू था कि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या पैरेलल लाइंस को एग्जिस्टेंस को इम्प्लाई करता है, तो यस, यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस को इम्प्लाई करता है, बिकॉज अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं थर्ड लाइन को इस तरीके से कि अगर उनके इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा, तो वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन अगर उनका सम इंटीरियर एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, तो वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, इसको कंप्लीट करिएगा बेटा आप, और ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और है जो आपने लिखनी है, इसको ज़रूर लिखना है आपने, ये जो वर्जन है प्ले फेयर एग्जाम वाला, इसको यहाँ से स्टेटमेंट आपकी फॉर एवरी लाइन एल, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, उसमें से देख करके आप इसको लिख लेंगे, ये इक्वलेंट वर्जन है इसका, ठीक है। यहाँ तक आपका ये कंक्लूजन है कि पैरेलल टू द सेम लाइन, और उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लेंगे बेटा, ठीक है, ओके।